हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 10 का अंग्रेजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वार्षिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों, आपका 15 नंबर यूं ही आ जाएगा क्योंकि हमको 25 नंबर मार्क्स लाना होता है पासिंग नंबर के लिए। तो यदि आप इसको अच्छे से रट्टा कर लेते, रट्टा मार लेते, तो आपको 15 नंबर हो जाता है। तो ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, उसमें 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। यहाँ 22 से अपन स्टार्ट करेंगे, 23 से स्वामीनाथन वाज डीफ ए क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वाज पुटिंग टू हिम, दिस मीन्स वाज दैट। तो 23 का आंसर है बी, स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर, स्वामीनाथन के पास इसका कोई आंसर नहीं था। 24 है आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, स्वामीनाथन मैटर्ड द दिस वर्ड इज बिकॉज, स्वामीनाथन ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुम्हारे इस गंदे स्कूल से कोई मतलब नहीं है। तो 24 का आएगा सी, बिकॉज ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाई द हेड मास्टर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25, द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी, है ना। तो यहाँ पर जो कवि लेखक है बोलने वाला, अबाउट मी का मतलब क्या है। तो 25 का आएगा ए, एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, इसका मतलब है सामान्य लड़का। डैडी वाज बिफोर परस्यूइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। तो 26 का आएगा सी, एन न्यूज रीडर इन एयर। इसके बाद है 27, द राइटर वॉज एबल टू कम्प्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट हर फादर बिकॉज, 27 का आंसर है सी, है ना। ठीक, फेंस गेट्स एंड वॉल्स इन द लाइन ऑफ द पोएम सुम्बा एडवेंचर सिफर टू। तो 28 का आएगा बी, चैलेंज आएगा यहाँ पर। ठीक, 29, सुम्बा प्लान टू हर्डल देम, द हर्डल हेयर मीन्स हर्डल का अर्थ बताना है। तो 29 का होगा सी, ओवरकम यानी कि ज़्यादा हो जाना। ठीक है, इसके बाद है 30, बी एंड सी व्हाट आई कैन सी द आथर वांट टू से, आथर क्या कहना चाहता है। तो 30 का आएगा ए, आई विल एक्सप्लोर एज मच आई कैन। 31, बिंकन्स ऑफ मिस्ड द टेस्ट, तो 31 में आएगा बी, है ना, मैथ्स आएगा, है ना। बिंकन्स ऑफ हैज ग्रैंड फादर मदर्स, तो यहाँ पर कितना आएगा, 32 का है वन, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। बिकन्स ऑफ वॉज एबसेंट बिकॉज ही वेंट, बिकन्स ऑफ जो है एबसेंट था क्योंकि वह कहाँ गया हुआ था। 33 में ए आएगा, डेंटिस्ट के पास। ठीक है, वाई आर वी आर द सेम इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा 34 में सी, बैड गैस आर, बैड गैस कौन होते हैं। 35, तो 35 का आएगा हु डिस्टर्ब द बॉयस, वे लोग जो दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं उन्हें कहते हैं बैड गैस। 36, व्हाट प्लेस डज सुम्बा इमेजिन, सुम्बा ने कौन सा जगह जो है सोचा था, इमेजिन किया था। तो 36 में आएगा बी, एडवेंचर्स, सुम्बा इमेजिन इन द पोयम, सुम्बा ने कौन से जानवर को सोचा था। 37 का डी आएगा ड्रैगन, उसने ड्रैगन की दुनिया के बारे में सोचा था। ठीक है, इसके बाद है स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट, स्पीकर का क्या कंप्लेंट था। तो यहाँ पर बी आएगा, इग्नोर करना। द बॉयस लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, लड़के ऊंचाई आकाश से कैसे दिखाई दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पर सी आएगा, स्मॉल स्पॉट यानी एक बिंदु के समान। इन द पोयम अबाउट मी हैव मीन्स अबाउट मी में क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताइए। तो 40 में बी आएगा टू, बिंगन सॉफ डिड नॉट ब्रिंग द, यहाँ पर 41 में डी आएगा फीस। इन द पोयम अबाउट मी द पोएट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एट लिस्ट लाइक एन, तो यहाँ पर आएगा 42 में बी, बर्ड। क्रिमसन स्काई मीन्स, क्रिमसन स्काई का मतलब क्या होता है। 43, तो 43 में डी आएगा, डीप रेड स्काई,